सो हेलो दोस्तों, स्वागत है इसका पोकेमॉन के एक और नई वीडियो के अंदर। और आज हम खेल मान लें पोकेमॉन फायर ब्राइट। तो लास्ट टाइम हम ब्रेडियन सिटी तक आ गए थे, ब्रेडियन फॉरेस्ट से, और हमने पकड़ा था हमारा दो पोकेमॉन, एक था पिकाचू एक था स्पैरो, और मैंने तीनों को एक लेवल का ही बना दिया, उतना ही लेवल का जो 12 लेवल का तीनों को बना दिया है मैंने। तो आज हम जाने वाले हैं ब्रॉक से लड़ने। तो ये दोनों तो किसी काम के नहीं है, हाँ काम का है मैं पिकाचू, पर इसका थंडर वेव काम लग जाए नहीं, अफेक्ट ही नहीं करता ना। मे बी दोनों काम में आएंगे, ज़्यादा काम नहीं है, सबसे ज़्यादा काम स्कॉटल का है, तो देखते हैं क्या होगा है। पहले अपना एक मिनट, मुझे अपना पैसा देखना है कितना है, 500 है सिर्फ, तो कोई बात नहीं। तो चलो शायद से हम एक ही बार में जीत जाए। इस गेम में कुछ अलग पोकेमॉन पकड़ने वाला हूँ मैं, तो चलो। तो जो ज़्यादातर लोग पकड़ते हैं वो मैं नहीं पकड़ूंगा इस गेम में, तो इस गेम में मैं अलग सा पोकेमॉन पकड़ूंगा। तो हमारा पहला बैटल जिम का, जिम लीडर का राइट हैंड कुछ भी हो जिम लीडर का ट्रेनर, ओके जिम ट्रेनर। तो चलो एक वाटर गन अभी तक नहीं आया क्या? 14 लेवल में आता है क्या? मुझे जहाँ तक पता है वो तो 11 में आता है। ओके 180 हो गया स्क्वाडल, अबे जियो डू स्क्वाडल नहीं। ओके एक्सपी 123 मिला या 33। सैंट्रू के एक में नहीं जाएगा मेबी, क्योंकि ये ग्राउंड टाइप है ना। ओके मुझे लगा ही था एक में नहीं जाएगा। इसके ऊपर तो फ्लाइंग टाइप भी अफेक्ट करता है, काम आ गया था तो सॉरी उसके लिए। तो चलो हम फिर से कर लेते एक बबल गया क्या? यस गया, यस चला गया, लेवल 13 पहुंच जाएगा, पहुंच भी गया। स्कॉटर लेवल 13 और वाटर गन सीख रहा है, अच्छी बात है। अब तो अभी सीख रहा है वाटर गन साला। अबे नहीं, ओके मुझे मैं वाटर गन हटाने वाला था, मुझे विड्रॉ हटाना है, विड्रॉ को हम हटा देंगे अभी। ओके तो वाटर गन सीख लिया हमारा स्क्वाडल ने, तो चलो अब इस स्क्वाडल को हमने हरा तो दिया। ये क्या था इसका नाम मैं भूल गया, पर क्या था सॉरी, जो भी है तू आसानी से हार गए। अब बारी है तो ब्रॉक से ला लेते। सो यू आर हियर, आई एम ब्रॉक, आई एम फ्यूचर सिटी जिम लीडर। ओके मुझे पता है, आई एम माई रॉक हार्ट विल पावर इट। ओके तो मुझे पता है, तो चलो कर लेते इससे बैटल। अबे कितना बात करेगा, आधा नहीं सीधा कर ले बैटल क्या। तो इसके पास कितने पोकेमॉन हैं? 2 है ना। ओके जियोडूट और ऑनिक्स। जियोडूट तो 1 वाटर गन से चला जाएगा मुझे पता है। वाटर गन बबल एक बूंद पानी चला गया, वाटर गन तो फर्र मारना चाहिए ना, एक बूंद बूंद। और 220 XP मिला। ओके 220 से भी नहीं हुआ, थोड़ा सा बाकी है। अब ऑनिक्स तो 1 ओके अटैक मिस हो चुका है, 1 क्यों हो जाएगा क्योंकि ऑनिक्स स्पेशल डिफेंस काफ़ी कम होता है। ओके मुझे लगा ही था। सो चलो 324 XP मिला। सो ओके लेवल 14 पहुंच चुका है मेरा स्क्वाडल। सो हमने हरा तो दिया ब्रॉक को आसानी से। वार्डो ओके तो हाँ 1400 पोकेडोरा में हमें, और हम TM39 भी मिला जो रॉक 2 में ना, हाँ रॉक 2 में मुझे पता है लगा था रॉक 2 में। तो चलो हमने इसे तो हरा दिया आसानी से। तो आज हमें जाना है माउंट मून तक, उसके बाद हम आज का एपिसोड वहीं तक करेंगे माउंट मून तक ही, क्योंकि माउंट मून से उधर जाने में काफ़ी लंबा सफ़र होगा। तो पहले मैं इधर कुछ रेपेल मिलेगा क्या हमें यार? रेपेल नहीं, पोकीबॉल चाहिए मुझे, पोकीबॉल। पोकीबॉल में पर सिर्फ 2 है, 4 खरीद लेता हूँ। नहीं रेपेल अभी तक अनलॉक हुआ है, हाँ रेपेल अनलॉक हो चुका है, 5 रेपेल काफ़ी है, क्योंकि माउंट मून में काफ़ी सारे पोकीमॉन्स आते हैं, तो इसलिए माउंट मून में रेपेल की ज़रूरत पड़ सकती है। जहाँ अभी हमें अब आगे के रूट में
जितने भी ट्रेनर मिलेंगे ना, मैं उन सब सारे ट्रेनर के पैसे से रेपेल ही खरीदूँगा। ओके, तो हमने हरा तो दिया इसे, नहीं सर हिल तो कर लिया, और हमने अपना पहला जिम बैच भी जीत लिया। तो चलो आगे बढ़ लेते हैं। ओके इधर चलो, इधर अब हमें मिलेगा ना रनिंग शूज। हाँ अब हमें मिलेगा रनिंग शूज। सो चलो ये कह रहे हो रितो, यस बोलिए। आई एम ग्लैड आई कैच अप विथ यू। आई एम प्रोफेसर ओक, ओके एडिक असिस्टेंट, ओके ओके। आई हैव बीन आस्क्ड टू डिलीवर दिस, सो हियर यू गो। ओके रनिंग शूज हमें मिल चुका है, यस एड। ओके प्रेस द बी बटन, ये मुझे पता है। ओके बाय बाय, जाने साने मताने मतास्ताने। यस यस यस, आई नो रिमेम्बर आई विल ऑलवेज चीयर यू, ओके डोंट एवर गिव अप। ओके ये मम्मी का है, ओके थैंक यू वेरी मच। सो हम अभी यहाँ थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा हमको, तो मैंने फास्ट कर लिया। तो चलो इन सारे ट्रेनर से हराएंगे हम। फिर जी ओके फिर जी भी मिल गए। चलो यूज कर लेते हैं टैकल, नहीं वेट अ मिनट मुझे पुकमेंट स्विच कर लेना चाहिए ना भाई। गस्ट एक थंडर शॉक के चला जाएगा। ओके तो फिर से फिर जी एक और थंडर शॉक। ओके फिर भी नहीं गए, मुझे लगा चला तो जाएगा क्रिकेट है। यस सो हियर वी गो, वी कैन डिफीट दिस गाय। ओके वी आर ओके लड़की बक कैचर। सो अभी मैं सिर्फ स्कॉटल के साथ ही खेलने वाला हूँ, क्योंकि स्कॉटल को मुझे लेवल अप करना है और इसे बनाना होगा आज वाटर टर्टल कैसे भी करूँ। सो चलो क्या करो, एक और वाटर गन, इसे लेवल 15 तक पहुंचा देता हूँ और उसके बाद दूसरे पोकेमॉन को ट्रेन करूँगा। सो क्या था मुझे नहीं पता, पर मैं पिकाचू को निकालने वाला हूँ। अबे मुझे क्विक अटैक, आई एम ओके अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा उस हुआ, कोई अबे पॉइजन नहीं हुआ। सो हमने हरा तो दिया। अब कौन है कैटरपी, हाँ मैं अभी स्क्वाडन पिकाचू के ट्रेन करने वाला हूँ। कोई ओके से तो हमने हरा तो दिया इसे। ओके 120 पोकी डॉलर मिला हमें। तो चलो अब मैं पोकेमॉन स्विच कर लेता हूँ। हमें आज स्क्वाडन को मैं स्क्वाडन बनाना तो नहीं सकता, बनाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे दूसरे पोकेमॉन को भी ट्रेन करना है। लेवल 15 तक काफ़ी होंगे, ठीक होंगे टेन हुई। चलो क्विक अटैक, अबे क्रिटिकल हिट मार दिया अभी इसने। ओके 13 लेवल पहुंच चुका है मेरा पिकाचू भी। और क्या है अब एकल्स स्विच कर लेता हूँ, क्योंकि एचपी काफ़ी कम है। सो कर लो यूज कर लेता, अब मेरे पास पैक है ना, गस्ट नहीं है पैक है, पॉइजन स्टिंग पैक लेयर। ओके इसने अपना डिफेंस फॉल कर दिया, अबे डिफेंस, लेकिन पॉइजन स्टिंग तो स्पेशल अटैक है ना जहाँ तक मुझे पता है। अबे रैप तो डिफेंस है, रैप तो फिजिकल है। यस तो हमने हरा तो दिया। ज़्यादा मुश्किल है, चलो हील करके आते हैं अपने पोकेमॉन्स को। चलो हील कर लेते हैं, सीधा आ गए हम इधर तक। और हाँ मैं एक और गेम लाने की सोच रहा हूँ, ले जो सीरीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस सीरीज़ को दूसरा गेम है, फैनमेड गेम है ये भी, तो फैनमेड है लेकिन ऑफिशियल है ना ये तो। सो चलो ऑफिशियल, चलो हम करेंगे दूसरा गेम जो है पोकेमॉन एक्स वाई, लेकिन GBA। तो लगता है कल या परसों आएगा वो, ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैं खेलने वाला हूँ वो भी। एक और थंडर शॉक और हमने हरा दिया इसे भी। अब कौन है कैटरपी, अच्छा स्पियारो तू भी हरा सकता है इसे, यूज कर पैक। ओके 1 हिट की हो, अच्छी बात है, मुझे इसे भी ट्रेन करना है। ककुना मिल गया, ओके ककुना आ जा पैक। ओके 1 हिट क्यों नहीं हुआ, मुझे लगा 1 हिट क्यों हो जाए, पर ककुना डिफेंस अच्छा होता है मे बी। तो चलो हमने हरा तो दिया। अब फिर से मेटापॉट भी है पैक, 1 हिट क्यों नहीं हुआ, हार है। एक और पैक और हमने हरा दिया। गस्ट अटैक सीख ले भाई स्प्यारो क्या यार। ओके फ्यूरी अटैक सीखा, गस्ट तो नहीं लेकिन फ्यूरी सीखा, कोई बात नहीं।
है यू आर नॉट वेयरिंग ओके वेयरिंग क्या हम पजामा नहीं वेयर सर वेयर कर सकते ओके इच करो थंडर सॉक वन इट के हो अब नहीं हुआ भाई मुझे लगा वन इट के हो जाएगा फ्लाइंग टाइप तो वन इट के हो जाना चाहिए पर क्या यार ओके लाइट बल्ब चाहिए मुझे लाइट बल्ब ओके कहाँ मिलेगा ओके हाँ लाइट बल्ब पिकाचू होल्ड करके बैठता है ना तो मुझे पिकाचू को काफ़ी पिकाचू पकड़ना पड़ेगा हाँ जहाँ तक मुझे पता है पिकाचू लाइट बल्ब होल्ड करके बैठता है चलो रोटाटा है ओके थंडर शॉक टैकल एक और थंडर शॉक और चला जाएगा अब कौन है नीडोरैन नीडोरैन का थंडर शॉक तो अफेक्ट नहीं लगे लेकिन ग्राउंड टाइप है ना जहाँ तक मुझे पता है ग्राउंड टाइप की फ्लाइंग टाइप अफेक्ट करेगा लगा ही था लेकिन पॉइजन होगी इसकी बॉडी पॉइजन है ना छूने से पॉइजन लग जाएगा हमें टेल हुई सो वक्त आना है ओ चलो हील कर लेता हूँ मैं एंटीडोट मेरे पास तीन है ना चलो एंटीडोट लगा देता हूँ इसे एंटीडोट तो लगाना चाहिए अपने इस पोकेमॉन्स को क्योंकि कुछ भी हो सकता है कैटरपिल चलो यूज कर लेता हूँ थंडर शॉक वन इट के होने वाला था पर नहीं हुआ अब लगाया थंडर शॉक अब चला गया और हमें मिल चुका है हमारा पिकाचू 40 लेवल पहुंच चुका है अब क्या है मेटापॉड आजा स्पैरो तू भी आजा ये तुझे भी ट्रेन करना पड़ेगा मुझे पैक अबे वन इट के हार्ड एंड चलो यूज कर लेते एक और पैक और हार गया तो 120-32 ओके इससे इसके पास जिगली पॉप होता है ना जहाँ तक पता है इसके पास जिगली पॉप होता है हाँ जिगली पॉप ही है काफ़ी बार खेल चुका हूँ सब पता है मुझे सब तो नहीं पता लेकिन कुछ कुछ भूल कम याद है लेकिन ज़्यादातर पता है इस गेम में क्या क्या होता है ओके 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 क्रिटिकल लग गया अच्छी बात है क्रिटिकल लग गया 224 पोकेडॉलर हमें मिल चुका है ये भी हील कर देता है साइज से मुझे नहीं नहीं ये तो हील कर दे नहीं करता ओके मुझे लगा हील कर देता है वो पर नहीं करता ओके सो हील हो गए हम ओके तो ओके दोस्तों आज के लिए बस इतना ही करते हो कि हम अगले उसमें जाएंगे आगे ओके इस तरफ एक रेयर आइटम है हाँ देखो तुम्हें इधर एक हिडन आइटम मिलेगा एक बेरी मिलेगा ओके देखो ये सब ऐसा होता है ना ये हिडन आइटम है तुम्हें ऐसे कलेक्ट करना है जैसे मैंने किया था अभी थोड़ी आगे थोड़ी पहले तो आज कल बस इतना ही करते हो कि अगले उसमें जाएंगे हम माउंट मून से बाहर तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा वीडियो पर लाइक करना शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना आपसे मिलता हूँ अगले उसमें तब तक के लिए गुड बाय सैन एंड टेक केयर बाय बाय।